14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इस दिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बेहद प्यार करते थे। पंडित नेहरू के जन्मदिन पर जहां पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के हौसला अफजाई की जाती है, वहीं पिछले 2 सालों से मीडिया के क्षेत्र में उतरी कंपनी MNS मीडिया ग्रुप भी ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जहां पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। और वो जगह है डोंगरी का बाल सुधार गृह, जहां हजारों अनाथ बच्चों की परवरिश की जाती है। इन बच्चों के बीच थोड़ा सा प्यार बांटने और उनकी जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करने के मकसद से पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी MNS मीडिया न्यूज ग्रुप ने समाज सेवक लॉयन कौशिक मोरे के संयुक्त तत्वाधान में भारत का भविष्य नाम के शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मशहूर गायिका दीपा नारायण ने अपना जन्मदिन इन बच्चों के बीच सेलिब्रेट किया। सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के लिए सोचना, और ये बच्चे भविष्य, मतलब देश के भविष्य हैं, उनको सपार के इस तरह से कराना, मतलब कोई सोच नहीं सकता। मुझे तो मालूम ही नहीं था इस बात में, जब यहाँ आए देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ये लोग कलाकार है, अच्छा डांस के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनको मैं अपनी तरफ से, उदय जी और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे। एक्टर रजा मुराद और दीपा नारायण की मौजूदगी से उत्साहित इन बच्चों ने भी डांस परफॉर्मेंस देकर वहाँ मौजूद लोगों की खूब वाहवाही लूटी। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे, आओ पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। डांस परफॉर्मेंस के बाद इन बच्चों ने पंडित नेहरू के जीवन पर भी प्रकाश डाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आदर के साथ लिया जाता है, वे पहले स्वतंत्र भारत के पंथ प्रधान थे। इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। वे प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, वे अभ्यास के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ उनकी शिक्षा पूरी हुई, वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से लौटे, उस समय गांधी जी के नेतृत्व स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। नेहरू जी ने गांधी जी के साथ रहकर आंदोलन में भाग लिया। Thank you.
एमएनएस मीडिया ग्रुप और लायन कौशिक मौर्य ने इन बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलाने के लिए कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन अभिनेता रजा मुराद, अली खान और गायिका दीपा नारायण के अलावा बाल सुधार गृह के मैनेजर एसएन जादव की मौजूदगी में किया। तो वहीं बाल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को टी शर्ट, पुस्तकें व खेलने की चीजें वितरित की गईं। यहां तक कि महिला आर्थिक विकास महामंडल की अध्यक्षा प्रभा ओझा और गायिका दीपा नारायण ने कैरम बोर्ड पर अपने हाथ भी बच्चों के साथ आजमाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की पर्व संध्या है, इस पे डोंगरी जैसे इलाके में इन बच्चों के साथ आके हमको भी सुनील शर्मा ने एमएनएस के माध्यम से, लाइन्स क्लब के माध्यम से बीच में इनके उपस्थित रहने का मौका मिला और इसी सुंदर झांकी बच्चों को देखने को मिली, तो ये समझ में आया है कि आज इस देश को ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की ही सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने एमएनएस ग्रुप के इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को देश के लिए ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। तो अभिनेता अली खान ने भी बच्चों का उत्साह वर्धन किया। माँ बाप के बारे में कहा जाता है कि वो माली होते हैं, वो बागबान होते हैं, वो बच्चों को एक पेड़ की तरह पाल पोस के बड़ा करते हैं। आप वो पेड़ हैं, नन्हे पौधे जो बगैर किसी बागबान के फल फूल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे बच्चे तो आप हैं, खूब पढ़िए लिखिए, आप फले फूले, आप अच्छी तालीम हासिल करें, आप अच्छे नागरिक बने और आपका बड़े होकर देश के प्रति बहुत अच्छा योगदान होना चाहिए, यही मैं आपसे कहने आया हूं। ऐसे नाजुक वक्त में ऐसे बच्चों का ऐसा एंटरटेनमेंट करना, इन लोगों का हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जब रजा भाई ने कहा कि सुनील शर्मा ने ऐसा प्रोग्राम रखा, मैं फौरन रजा भाई के साथ चला आया यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद अपना बचपन भी याद आया, बच्चों को देख के, बच्चों ने जो परफॉर्म किया स्टेज पे वो बड़ा अच्छा लगा। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, मतलब हम लोग इतनी ट्रेनिंग के बाद भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, जो इतने मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस किया, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। पिछले एक साल से एमएनएस मीडिया ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाने वाले समाज सेवक लायन कौशिक मौर्य ने भी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एमएनएस ग्रुप के चेयरमैन को इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। बाल दिन की पूर्व संध्या को सभी बच्चों को बधाई देता हूं और सुनील शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से हमें इन छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिलता है। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और इसलिए ऐसे कार्य में मैं सुनील जी का हाथ बटाना पसंद करता हूँ। डोंगरी का यह बाल सुधार गृह एशिया के सबसे बड़े बाल सुधार गृहों में से एक है, जहां पर अनाथ बच्चों की परवरिश की जाती है। यहां पर सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी बच्चों की मदद कर उन्हें मुस्कान देने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश एमएनएस मीडिया ग्रुप भी कर रही है, जिसमें उसे आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। कैमरा पर्सन नंद कुमार राउत, अजीत शिवतरकर के साथ रेहान गुलाम हुसैन की रिपोर्ट, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।